नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा बेस्ट हूँ। बच्चों, सब अपनी फाइल के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कलर्स के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहें। आपको सीधे बैठना है और कार्य करते समय इधर उधर नहीं देखना है। तो बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का पेज 74 खोलेंगे, 7 और 4। खोला सभी ने? तो आज हम इस पेज में क्या बनाना सीखेंगे? हम फिर से यह बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फिर से यह बनाना सीखेंगे। य से यज्ञ, य से यज्ञ। तो य कैसे बनाएंगे हम? देखिए, पहली लाइन पे पेंसिल रखेंगे और दाहिनी तरफ एक कर्व सेकेंड लाइन तक लेकर आएंगे। फिर सेकेंड लाइन से नीचे की तरफ एक कर्व बनाते हुए वापस इसको सेकेंड लाइन पे लेकर जाएंगे। फिर फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इसको जोड़ते हुए, और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? य। लेकिन य बनाने से पहले हमें पहली लाइन में प से म तक लिखने का फिर से अभ्यास करना है। उसके बाद हम नीचे य बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो शुरू करें। तो सब अपनी पेंसिल निकालिए। निकाली सभी ने अपनी पेंसिल? चलिए तो लिखिए प। मैम के साथ साथ सभी को लिखना है, बोल बोल कर लिखना है। तो लिखिए प। प से पतंग, प से पतंग। तो सभी ने बनाया प। अब प के बाद क्या आता है? फ। फ से फल, फ से फल। सभी ने बनाया फ। अब हम क्या बनाएंगे फ के बाद? ब। ब से बकरी, ब से बकरी। बनाया सभी ने ब। अब ब के बाद क्या आता है? भ से भालू। तो बनाएंगे भ से भालू, भ से भालू। सभी ने बनाया भ। अब भ के बाद क्या आएगा? म से मछली। तो उस मैम के साथ बनाएंगे म, म से मछली। तो सभी ने म तक बनाया, बना लिया। तो चलिए मैम के साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। प से पतंग, फ से फल, व से बकरी, भ से भालू, म से मछली। अब हम नीचे यह बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे मैम यह कैसे बना रही है। देखिए, पहली लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे और एक कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक। बनाया आपने? एक बार फिर से देखा मैम को। फर्स्ट लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे और एक कर्व बनाएंगे सेकेंड लाइन तक। फिर सेकेंड लाइन से नीचे की तरफ एक कर्व बनाते हुए वापस सेकेंड लाइन तक जाएंगे। बनाया आप सभी ने? चलिए एक बार फिर से देखिए मैम को। देखो, फर्स्ट लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे और दाहिनी तरफ एक कर्व बनाते हुए सेकेंड लाइन तक आएंगे। फिर सेकेंड लाइन पे वापस पेंसिल रखेंगे, फिर नीचे की तरफ कर्व बनाते हुए सेकेंड लाइन पर जाएंगे, और इसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन जोड़ेंगे, वो हम पहली लाइन से थर्ड लाइन तक बनाएंगे। बनाया आप सभी ने? चलिए एक बार फिर से यह बनाना सीखेंगे। देखिए, पहली लाइन पर फर्स्ट लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे और सेकेंड लाइन तक एक कर्व बनाएंगे। फिर सेकेंड लाइन से एक कर्व बनाएंगे दोबारा नीचे की तरफ, इसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन जोड़ेंगे और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। य। य से यज्ञ, य से यज्ञ। बनाया आप सभी ने य?
चलिए एक बात, अब हम नीचे बनाएंगे य। कर्व बनाइए, कर्व एक बनाया, अब हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए एक कर्व बनाएंगे यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ एक और कर्व बनाएंगे, इस तरह से बनाया। अब यहाँ पर देखिए, देखिए एक ऐसे कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व बनाएंगे, इसके साथ में एक स्टैंडिंग लाइन जोड़ देंगे। बनाया सभी ने? चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अब कर्व बनाएंगे, फिर नीचे की तरफ एक और कर्व बनाएंगे, इसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन जोड़ेंगे और इसके ऊपर एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? य। य से यज्ञ। तो सभी ने य बनाया मैम के साथ? नहीं बनाया तो जल्दी बनाइए, मैम इंतज़ार कर रही है। बनाया, नीचे की ये दो लाइन आपके अभ्यास के लिए हैं, ये आपको बाद में करनी है, और जब ये पेज पूरा हो जाता है तो इस पेज की फ़ोटो खींचकर मैम को व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है बच्चों? शाबाश।